पवा भिलाई 3 रेलवे स्टेशन से पहले गांधीनगर में पड़ा हुआ मिला। किन्नर पुरुषोत्तम की मौत चलती ट्रेन से गिरकर हुई है। मुंबई से हावड़ा की ओर जा रही चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में किन्नर गिरने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल भिलाई GRP पुलिस पंचनामा कर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लिखित मेमो भेजा कि एक डेड बॉडी आउटर सिग्नल रायपुर छोर तरफ पड़ा हुआ है गांधीनगर के पास। उक्त सूचना पर मार्ग क्रमांक 33/21 धारा 174 CRPC पंजीबद्ध कर घटना स्थल पर वहाँ पे डेड बॉडी मिला जो किन्नर का होना पाया गया। और उसका जब तस्दीक किए तो पुरुषोत्तम उर्फ जगदम्बा विधायक अनूप नाग पहुंचे कांकेर, जहां लाखों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा, लोगों को वन अधिकार पट्टा भी किए वितरण। आपको बता दें कि संपर्क से मृत विधायक ने प्रदान किए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। साथ हांकेर और PV17 में मुक्ति धाम निर्माण करने की भी घोषणा। इसके पश्चात गांव की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों ने विधायक अनूप नाग से अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपने गांव के विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यों की मांग की। ज्यादा से ज्यादा गांव में जाकर मेरे मतदाता भाई बहनों के साथ रूबरू वहाँ की समस्या सुनूं, उसके दुख सुख दुख का हालचाल जानूं और उसमें एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इस मुहिम में मैं हमेशा लगा रहा। क्या सौगातें मिली आज इनको? मांगे तो ग्रामवासियों के द्वारा वाजिब मांग रखी गई है। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां कोंडागांव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा गुम हुए मोबाइल के मालिकों को बुलाकर उन्हें गणेश चतुर्थी के अवसर पर उनका मोबाइल सौंपा गया। 75 नग गुम मोबाइल पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों को लौटाया। कोंडागांव पुलिस द्वारा गुम मोबाइल की खोज के लिए चलाया गया था अभियान। आजकल मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हैं और अमूमन मोबाइल जब चोरी हो जाता है तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, बट कोंडागांव पुलिस के द्वारा, स्पेशली साइबर सेल के द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए, और एडिशनल SP साहब ने भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिया, कोंडागांव पुलिस के द्वारा 75 मोबाइल्स रिकवर किए गए हैं जो कि विगत कुछ माह से एवं सालों से रिकवर चोरी किए गए थे विभिन्न जगहों से। और इन रिकवर किए गए मोबाइल्स की जो लागत है वो लगभग 7,20,000 के ये मोबाइल हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां शहर में सरकारी गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे के बाद नाराज लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ कर दी है। वाहन PHE विभाग की बताई जा रही है। दरअसल सरकारी गाड़ी का चालक वाहन लेकर किसी काम से हटरी चौक के पास आया हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी बीच गाड़ी बैक करने के दौरान वाहन चालक ने मंदिर के बाहर बैठे 2 लोगों पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद नाराज लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, वहीं चालक को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये सरकारी गाड़ी कौन चलाती है यार? सुबह जो है आज कोतवाली थाना क्षेत्र जूना बिलासपुर हटरी चौक में एक शासकीय वाहन से हनुमान मंदिर के पास बैठे कुछ भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के ऊपर एक्सीडेंट किया गया है और इसमें जो है 2 लोग घायल हुए हैं। एक को सामान्य चोटें हैं और एक को कुछ ज़्यादा चोट है, उनको सीम्स भेजा गया है और मामले में जो है आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया गया है।
भिलाई में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने अब कमर कस ली है। इसी के तहत आज भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय लंबे समय बाद भिलाई के सेक्टर 2 पहुंचे, जहां भिलाई के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पवन साय ने कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी पर हल्ला बोल करने के निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं द्वारा हर बूथ के प्रभारियों को बैठक लेकर जीत रणनीति बनाए। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे का कहना है कि मंडल स्तर तक कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं। आने वाले चुनाव को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। पार्टी की संगठन की बैठक हमारी आज संपन्न हुई है, जिसमें हमारे संगठन के महामंत्री माननीय श्री पवन साय जी का संबोधन हुआ। उनका आतिथ्य हम सभी को मिला, कार्यकर्ताओं को, हमारे मंडल मोर्चा और हमारे प्रकोष्ठ समस्त लोग, इसमें मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है, पद बांट रही है, चुनाव के मुद्दा पद बांटना संगठन की प्रक्रिया है। राजनंदा गांव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज जिला भाजपा की एक आवश्यक बैठक भाजपा कार्यालय में ली, साथ ही साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा सेवा समर्पण पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मनाने जा रही है। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी की शैली और व्यक्तित्व आज उसको लेकर के नेता के रूप में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले नरेंद्र मोदी ने भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। हमारे बीच में हमारे पूर्व भाई रमेश पटेल जी लीला के अंतर्गत चर्चाएं हुई है, बहुत सारे चर्चा होना तक सेवा और समर्पण कार्यक्रम जो चलेंगे लगातार 20 दिन कार्यक्रम है। पंखाजोर SDM धनंजय नेताम ने 9 ग्राम पंचायत का सोशल ऑडिट कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कोरेनार में पहुंचे, जहां लोगों ने अपने अपने समस्या के बारे में बताते हुए ग्राम पंचायत कोरेनार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। SDM नेताम ने वह मौजूद सभी लोगों की समस्याओं को निराकरण किया, जिसके बाद सचिव और सरपंच के द्वारा पंचायत में किए गए कार्यों की जाँच की। जाँच के दौरान मरुमी करण, नाली सफाई, साथ ही साथ डबरे के कार्यों में भी अनियमितता पाई गई। साथ ही सचिव सूर्यकांत सरकार और पूर्व सरपंच के द्वारा मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में फर्जी मास्टर रोल भरकर पैसा निकालकर पैसा गबन करना पाया गया। तत्पश्चात SDM धनंजय नेताम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्व सरपंच और सचिव पर 2,52,000 रुपए वसूली का नोटिस थमा दिया है। नौ जो ग्राम पंचायत है उसका सोशल ऑडिट का कार्यक्रम रखा गया था, और जो भी यहाँ अनियमितता पाई गई थी उसका वसूली के लिए किया गया। क्या अनियमितता पाई गई सर? बीच में बताया गया था कि उनके द्वारा जो काम होना था उनके द्वारा काम नहीं कराया गया था, और उन्होंने फर्जी तरीके से जो है बिल निकाला है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बांगा के धौरैया प्रखंड में पुलिस की मनमानी चल रही है। धौरैया थाना अध्यक्ष के मौजूदगी में
सिपाहियों ने रामविलास साहा को डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया। पुलिस के इस रवैये से जनता काफी आक्रोश नजर आए और जमकर हंगामा काटा। बता दें कि धौरैया प्रखंड कार्यालय में दर्जनों जनप्रतिनिधि अपना नामांकन कराने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ब्लॉक कार्यालय के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था। इसी बीच धौरैया थाने के एक सिपाही ने अपने मन से एक निर्दोष व्यक्ति को डंडे से मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान और पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी से पेश आया। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खड़गिया दौरे पर रहे। यहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अलौली में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अलौली में भाषण के दौरान अपील की, ताकत मांगने आए सभी को ताकत दीजिए। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दरअसल मामला सदर थाना क्षेत्र का है। यहां किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने दो देशी कट्टा, एक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। इन दोनों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में हत्या समेत कई अन्य मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। कल दोपहर के आसपास सूचना मिली कि जिला परिषद आवासीय परिसर जो सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स का जमावाड़ा है और उनके पास हथियार भी है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। अविलंब SDPO सदर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें सदर थाना अध्यक्ष और बलवाहाट OP पदाधिकारी भी थे। और वहाँ पर जब पुलिस गई तो वहाँ से क्रिमिनल्स ने भागना शुरू किया और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में उन दोनों अपराधियों को दबोचा गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें से एक सूरज कुमार यादव है, जो कि गलफरिया बलवाहाट का रहने वाला है। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के इस्लामपुर का है, जहां बैजनाथ राम डीलर ने नवहट्टा ब्लॉक के DAC प्रबंधक प्रमोद घटिया चावल को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि AGM के द्वारा 10,000 रुपये मांगा जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। वहीं जन वितरण प्रणाली डीलर बैजनाथ राम ने कहा है कि जो पैसा देता है उसे अच्छा चावल दिया जाता है, जो जन वितरण प्रणाली डीलर रुपए नहीं देता है उनको घटिया चावल भेज दिया जाता है। गाड़ी पर 3-3 क्विंटल अनाज कम रहता है, जो सभी डीलर को अपने से भुगतान करना पड़ता है। वहीं BSO प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी डीलर के साथ बैठकर सभी डीलरों को सुना जाएगा, साथ ही साथ सभी को अनाज तौल कर दिया जाएगा। कटिहार जिले के सेमापुर बाजार में डीलर शीतल चौधरी के यहां देर रात चोरी का मामला प्रकाश में आया है। देर रात घर में मेन गेट को तोड़कर चोर अंदर घुसे और अंदर के दो कमरे के तालों को तोड़कर अलमीरा के लॉकर को तोड़कर चोरी की और 2 लाख नगद और सोने के जेवरात लेकर भाग गए, जिसके बाद सीमापुर OP पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस कार्यवाही में जुट गई। आपको बता दें कि कार में भाग रहे 5 चोरों को पुलिस ने अमीनाबाद के पास से धर दबोच लिया है। इस दौरान पुलिस ने चोरों के पास से चोरी किया गया सामान और ताला तोड़ने वाला लोहे का औजार बरामद कर लिया है। भिंड में बीते दिनों प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग में होने वाले तबादलों को लेकर कांग्रेस लगातार हमला करती आ रही है। इससे पहले पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह
पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा था। अब इस मामले में भिंड के अटेर क्षेत्र के पूर्व विधायक हेमंत कटारे भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग में किए गए तबादले नियम विरुद्ध हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर पर कहा जाता है कि तबादलों के पीछे राजनीतिक मंशा रही है। अटेर क्षेत्र से शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के में कार्यरत कर्मचारी जो कि एक जाति विशेष के थे उनका स्थानांतरण किया गया है। ऐसा किए जाने से शासन अफेयर और स्थानीय राजनेता की सोच साफ तौर पर नजर आ रही है। बात की जाए जुलानिया साहब एसीएस थे और 2017 जून का आदेश है जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आदेश आपको मैंने पहुंचा दिया है कि एक ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को एक ग्राम पंचायत से ज्यादा का प्रभार ना दिया जाए। अब आप खेल देखिए, मजेदार खेल देखिए कि एक सेक्रेटरी को चार चार, एक दशरथ सिंह यादव जी हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, दशरथ सिंह यादव जी हैं, विशेष कृपा होगी उनपे कुछ लोगों की, उनके माए बाप की, उनको चार चार उसका प्रभार दे दिया क्या कहते हैं ग्राम पंचायतों का। एक संजीव सिंह भदौरिया है उसको तीन तीन ग्राम पंचायतों का प्रभार दे दिया। तो जुलानिया जी बुलानिया जी कहीं नहीं लगते हमारे भिंड के, जो जैन साहब है इनके आगे जुलानिया और सीएम नहीं लगते, ये जिसको चाहेंगे प्रभार देंगे, जिससे चाहेंगे अपना माल बटोर लेंगे, ये स्थिति चल रही है भिंड जिले में। तो मेरा ये पूछना है कि जो नियम बनाए हैं इसको फाड़ के तो फेंक दो कम से कम, हम सब क्यों उसको देखें उसकी तरफ कि हमें लगा कि ये नियम पालन होगा। अब आप आइए, अब शिक्षा विभाग में तो अति हो गई, शिक्षा विभाग में तो आप ये समझ लो कि मैं किताब लिख दूंगा ये उठा करके कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। शिक्षा विभाग के बड़े ज्ञानी प्रभारी हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं हरिभुवन सिंह तोमर, जिनका कार्य मूल रूप से था कि शिक्षा का स्तर भिंड में बढ़ाना। खबर रतलाम से है जहां कुरेल नदी पर बड़ा हादसा होने से बच गया। बाटप चलाना से रतलाम आ रही यात्री बस पुलिया पार करते समय लटक गई। वहीं बस में 12 से 15 यात्री सवार थे। दरअसल देर रात हुई बारिश के बाद कुरेल नदी पर बनी रपट पर पानी बह रहा था, जहां बाटप चलाना से रतलाम आ रही बस के ड्राइवर ने पानी के बहाव के बीच रपट पार करने की कोशिश की, लेकिन बस का एक पहिया रपट के नीचे चला गया। वहीं बस पानी के बहाव के नीचे फंस गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बस में बैठे यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बस पलटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक पहिया जो है वो फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुरेल नदी पर बड़ा हादसा होने से बच गया है। ये वही बस है जो यात्रियों से भरी बस है, जहां रपेट में फंस गई, एक पहिया रपेट में फंस गया, जिसके बाद बस पलटी हुई नजर आ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने किसी तरह यात्रियों को बाहर निकाला। फिलहाल किसी के जानमाल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। ये रतलाम से खबर, जहां देख सकते हैं आप तस्वीरों में पानी के बीचों बीच बस लटकी हुई नजर आ रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।
दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें।